हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ चिकन चिकन के कोफ्ते। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही यम्मी है और आप इसे कम समय में फटाफट बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए पहले मैंने ले लिया है एक कीमा ले लिया एक बाउल में, और मैंने एक अनियन ले लिया है और दो हरी मिर्ची ले लिया है और इसे कट कर लिया है। ठीक है, अब मैं हरा धनिया, अदरक थोड़ी सी और तीन कली लहसुन की लिए और पुदीना लिया, इनको वॉश करके मैंने कट कर लिया। फ्रेंड्स, अब हम इसे मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने मिक्सर में पहले चिकन कर लिया था, तो मैं उसी में ही ये सारे प्याज डाल दिए है। ठीक है, हरी मिर्च, पुदीना, अदरक का ये टुकड़ा, ठीक है, लहसुन की जो हमने कट करके रखे हैं, ये सारा कुछ डाल के मैंने इसमें पानी नहीं मिलाना, हमने इसे दरदरा पीसना है। तो हम बिना मतलब मोटा ही पीसना है हमने और बिना पानी मिलाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ये जो मसाला है वो थोड़ा दरदरा सा ऐसे पीस लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये हमने डाल दिया फ्रेंड्स, ये हमने इसमें डाल दिया। अब मैंने ना दो चम्मच बेसन के इसे तवे पे भून लिया, ब्राउन सा हल्का सा कर लिया, अब ये हम इसमें डालेंगे। ठीक है, इससे ना खूब अच्छे से मतलब अच्छे से एकदम जो हमारा मसाले हैं वो बन जाते हैं। अब जो दो अब हम दो चम्मच इसमें देसी घी डालेंगे। तो देसी घी से क्या है, हमारा ड्राई चिकन नहीं होएगा। और हमने ये थोड़े से खड़े मतलब मसाले लिए हैं, ये देखिए साबुत मिर्च को मैंने जो कूट के ना थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखा है, नमक, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर मिक्स किया हुआ है, काली मिर्च ली हुई है, ये कसूरी मेथी मिर्च है और ये थोड़ा सा अमचूर, ये सब कुछ हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसका जो स्वाद होता है ना बहुत ही एकदम यम्मी होता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। एक बार आप इस स्टाइल में करके देखें। अब आपने इसको अच्छे से हाथ से मैश करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए खूब अच्छे से हमारा मैश करना है। उसके बाद हमने ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला एकदम अच्छे से हो गया कोफ्तों का। तो अब हम इसमें रखेंगे थोड़ा सा जो स्पेशल खुशबू लाने के लिए, देखिए क्या करते हैं, कोला डाल लिया और उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब मैं फ्रेंड्स ये देखिए, अब हमने इसे प्लेट से थोड़ा सा दो मिनट के लिए, ताकि जो ये कोयले की स्मेल होती है ना, ये खुशबू, इससे जो आपका जो जायका है वो बहुत ही यम्मी बनता है। तो दो मिनट के लिए इसे रख देंगे ऐसे ढक के। तो फ्रेंड्स, दो मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको हटा देते हैं। और अब इसमें जो इस कोयले की जो खुशबू होती है ना, इससे बहुत ही यम्मी स्वाद आता है। अब हमने फ्रेंड्स हाफ नींबू लेना है और इस पे निचोड़ देना है। फ्रेंड्स, आप नमक और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नींबू डाल के थोड़ा सा इसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसका जो स्वाद है और बरकरार हो जाए नींबू के जूस से। फ्रेंड्स, अब हम इसकी शेप बनाएंगे। ठीक है, तो आप जितने साइज का आप बनाना चाहते हो कोफ्ता, आप उतने साइज का बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं इस शेप में बना रही हूँ, बस हमने इसको ऐसे रोटेट करना है और ये हमारी एक कोफ्ता तैयार है। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया कोफ्ता बना है, ऐसी करके हमने सारों का ऐसी गोल गोल बना लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने सबकी ये चॉपस्टिक्स वो बना लिए ये गोल गोल। ठीक है, अब ये सारे जितने भी थे हमने ये सारे। फ्रेंड्स, अब हमने तेल रख लिया कढ़ाई, मैंने सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। हमें इसे मीडियम उस पे ही फ्लेम पे ही पकाना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपने सारे कोफ्ते धीरे धीरे रख देंगे और बहुत ही आराम से करना है, क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट होते हैं, तो हमें इसे चारों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है।
फ्रेंड्स ये देखिए हमारे एक साइड से हो गया है, इन्हें बहुत ही आराम से नाजुक से हमने पलटना है, चारों तरफ से सेकना है। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, आप देख सकते हैं। ऐसे ही कर करके हमें आराम से सारों को ना चारों तरफ से सेकना है। फ्रेंड्स ये देखिए मैं चारों तरफ से हिला करती जा रही हूँ कि ताकि चारों तरफ से सिक जाए। ऐसी आपने भी आराम से हैंडल विद वेरी केयर है ना, आराम आराम से करके इनको चारों तरफ से सेकना है। अगर कहीं से भी कच्चा रह जाता है आप उससे ये जो ऑयल है ना थोड़ा गरम गरम वो ऊपर से ऐसे डाल सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे कलर, कितना अच्छा ये आ रखा है। फ्रेंड्स ये देखिए अब हमारे चारों तरफ से सिक चुके हैं अच्छे से, इस स्टेज पे हमने इनको निकाल लेना है। ठीक है तो ये हम सारे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने सारे फ्राई कर लिए और वाओ देखिए कितना अच्छा कलर सा आया है और टेक्सचर भी कितना अच्छा लग रहा है इनका। फ्रेंड्स आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। ठीक है और चलो अब हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें थोड़े से खड़े मसाले ले लिए हैं, दालचीनी के 2 पीस हैं, थोड़ा हाफ टेबल स्पून ये जीरा लिया है और ये 5-6, 7-8 मतलब काली मिर्च ले ली है, 1 इलायची, 2 लौंग और 1 तेज पत्ता। ठीक है फ्रेंड्स इस अब हमारा तेल है जिसमें हमने फ्राई किए थे कोफ्ते उसी में हम ये सारी खड़े मसाले डाल देंगे। ठीक है और लाएंगे। फ्रेंड्स मैंने 1 प्याज, 1 टमाटर और हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है और अब मैं इसमें डाल दूं। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने मसाला सारा भून रही हूँ और इसे हमें धीमी आंच पे ही पकाना है, खूब अच्छे से भूनना। जो मेन स्वाद है ना हमारा मसाले का होता है, अगर हम इसे अच्छे से भूनेंगे जितना अच्छे से हमारा मसाला भुनेगा उतनी अच्छी हमारी ग्रेवी और मतलब टेस्ट बढ़ेगा। फ्रेंड्स ये देखिए अब हम इस मसाले में ये देखिए चिकन मसाला, धनिया पाउडर और ये मैंने थोड़ा जीरा लिया है, नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर, ये सब कुछ इसमें डाल देंगे। और फिर इसको हमने खूब अच्छे से पकाना है इन मसालों को भी, ताकि जो हमारा अदरक लहसुन प्याज है उसका जो स्मेल होती है वो ना आए। फ्रेंड्स ये देखिए मसाला भून रहा है हमारा, अभी हमें जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ रहे थे तब तक इसे भूनते रहना है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा मसाला थोड़ा भून गया है, अब हम इस स्टेज पे एक जो मैंने दही को खूब अच्छे से फेंट लिया अब वो डाल देंगे। अब इसे भी हमने खूब अच्छे से भूनना है, इसका पूरा पानी सुखाना है, अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके फ्रेंड्स ये देखिए मैंने थोड़े से हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल दिया काट के, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा हो जाए स्वाद भी। और आप देख रहे हो धीरे धीरे ऑयल ऊपर आ रहा है सारा, ये देखिए। तो बस अभी थोड़ी सी कसर और है, अभी हमें से 5 मिनट तक अभी और फ्राई करना है। फ्रेंड्स देखिए पूरा तेल अब हमारा जो है वो मसाले ने छोड़ दिया है, तो बस इस स्टेज पे हमने इसको थोड़ा सा जो हमारे कोफ्ते हैं उसे डालनी है मसाले में, आराम से करना है हमने इसे, थोड़ा सा इसके साथ मसालों को साथ भूनेंगे। थोड़ी देर भूनते रहिए, अच्छे से 5-10 मिनट इस मसाले के साथ इसको ऑब्जर्व होने दो। ठीक है फिर हमने थोड़ी देर बाद देखते हैं, 2 मिनट के बाद हम इस। फ्रेंड्स अब हमें जितना ग्रेवी चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग डाल लेंगे, जो मैंने जिसमें मसाला पीसा था ना मैं वही वाले उसमें से ही जो जार है उसमें करके पीसते हैं। तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी रंगत आई है, कलर ग्रेवी का भी कलर कितना अच्छा आया है। फ्रेंड्स देखिए बॉईल आ चुका है इसमें हमारा और आप खुद ही देखिए कि कितनी अच्छा मतलब जो टेक्सचर है ना, और गोल आपके टूटे भी नहीं है कोई कोफ्ते,
मतलब अच्छे से एकदम आप देखेंगे ना, जब आप इसे खाएंगे तो भी ये बहुत सॉफ्ट होंगे, लेकिन देखने में अभी भी एकदम करारे लग रहे हैं। और मतलब आप रोटी चपाती किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, ये खा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें इस स्टेज पे आके हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, तो हमने ये गरम मसाला डाल दिया फ्रेंड्स। थोड़े से हमने हरा धनिया इसे डाल देना गार्निश के लिए, तो हमारे जो ये कोफ्ते हैं थोड़ा सा और फ्लेवर आ जाएगा धनिये का। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है और मेरे कोफ्ते पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आप इसका ना लुत्फ उठा सकते हैं, और ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए आपका एक भी कोफ्ता टूटा नहीं है, आप इसे आराम से डालिए बाउल में, ठीक है। और ये देखिए इसकी रंगत देखिए और टेक्सचर देखिए, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है ये, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर से कितना ज्यादा जूसी और कितना अच्छा बना है फ्रेंड्स। ये देखिए अगर आप इसे कट करते हैं तो ये अंदर से एकदम सॉफ्ट है, और अंदर तक इसके ग्रेवी गई हुई है, और खाने में ये बहुत ही सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाला चिकन है। और आप अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।